यस डियर स्टूडेंट, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी बच्चे? मस्त हैं? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर आपके पास? गुड आफ्टरनून बेटा, सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं हमारे साथ में। यस स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे मोल कंसेप्ट की, ठीक है। और मोल कंसेप्ट से पहले हम बात करते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है, वीकली जो टेस्ट होता है, इसलिए सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है बच्चों। हाँ, कल आपका टेस्ट होने वाला है, इसलिए सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। हाँ, आप देखिए डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्या टॉपिक है हमारा? मोल कंसेप्ट। जैसे ध्यान से देखो एक बार आप, ट्वेंटी फोर हो गई ना आज, है बच्चों? बच्चों आपका टॉपिक है मोल कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे हम बात करें 2H2 प्लस O2 और यहाँ पे बनता है प्यारे बच्चों 2H2, ठीक है। 2H2 प्लस O2 और क्या बनता है? 2H2, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल। ऑक्सीजन का कितना मोल है? 1 मोल, ठीक है। और वाटर के कितने मोल्स बनते हैं बेटा? 2 मोल्स बनते हैं, ठीक है। मतलब ये जो संख्या है, देखो यहाँ पे ये संख्या और यहाँ पे ये संख्या, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वहन, दो तरीके से लिखेंगे हम इसको, वहन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वहन देखो हाइड्रोजन का, यदि हम मास की बात करें, हाइड्रोजन का मास कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। तो यहां पे कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखो 2, 2, 2 जा 4, कितने हाइड्रोजन हो गए यहां पे? 4 हाइड्रोजन हो गए ना, अरे 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि वहन 4 यूनिट ऐसे लिख देता हूँ 4 यूनिट, ठीक है। 4 जैसे हम लगा दें ना, 5 यूनिट 6 यूनिट, ठीक है, वैसे ही। तो 5 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन का, बेटा एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे कितना हो गया? 32, ठीक है। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 32। तो यहां पे लिख सकते हैं कि वहन 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे H2O देखो यहां पे कितना हो गया? 2 प्लस 16, कितना हो गया प्यारे बच्चों? 18 हो गया। लेकिन यहां पे कितना है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 36 हो गया ना। अरे 36 समझ में आ गया क्या? पूरे यदि वोटर का देखें, एक वोटर का कितना होता है? 2 प्लस 16 हमने निकाला था ना, मोलन मास 18 होता है।
अब हाइड्रो यहाँ पे जल के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2H2O है, कितने हैं यहाँ पे, दो है, तो एक का 18, तो दो का कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 36, समझ में आ गया सभी के। हाँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वहन 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन एंड फोम 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो ये एक प्रकार से हमने बोला कि यहाँ पे दो तरीके से बोल सकते हैं उसको, यदि मोल की टर्म में बोले तो ऐसे बोलेंगे, यदि एटॉमिक मास के टर्म में बोले तो ऐसे बोलेंगे। ठीक है कि यदि दो मोल हाइड्रोजन के एक मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो मोल हाइड्रोजन के बनेंगे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी, बोलो बच्चों आवाज क्लियर आ रही नहीं आ रही, आ रही है हाँ। और यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वहन 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है तो ये सब मोल कंसेप्ट में चल रहा है। ठीक है एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि मोल का मतलब क्या होता है। ठीक है मोल टर्म किसने दिया, ठीक है एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे हम बात करते हैं। देखो ऐसे यहां पे कुछ टर्म दे रखे हैं, वन मोल ऑफ कार्बन एटम वन मोल ऑफ कार्बन एटम को क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, वन मोल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है प्यारे बच्चों, बोलो बताओ मेरे को जल्दी से, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, वेरी गुड रिया। ठीक है हाँ तो इसको हम बोल सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, हम इसको बोल सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, या हम इसको बोल सकते हैं एटम ऑफ कार्बन, क्या बोल सकते हैं इसको, 6.022×10^23 एटम्स ऑफ कार्बन। यदि हमें देखो अभी मैंने वो बताया था कि H2 plus O2 से क्या बन रहा था प्यारे बच्चों, 2H2, इसको मैंने दो टर्म्स में बताया था कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और उसको वैसे भी बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार वन मोल ऑफ कार्बन को हम बोल सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, बोल सकते हैं इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मोल कार्बन में कितने एटम होते हैं, 6.022×10^23 एटम्स। ठीक है ऐसे भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा है इसके अंदर वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको भी हम दो तरीके से बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, कैसे बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक होता है, तो यहां पे बोल सकते हैं हम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो मास की टर्म में हो गया। यदि हम मोल की टर्म में बोले तो कैसे बोल सकते हैं इसको, 6.022×10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ऐसे बोल सकते हैं, तो हम मोल्स के टर्म में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मोल्स के टर्म में हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वन मोल ऑफ हाइड्रोजन को हम ये भी बोल सकते हैं और हम वन मोल को ये भी बोल सकते हैं। ठीक है आप सभी को क्या होना चाहिए, उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है जैसे यहाँ पे आ जाए वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं बताओ जल्दी से, 12 लिखूंगा या 16 लिखूंगा,
ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। ये है ऑक्सीजन का एटम और ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के एटम की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 16 ग्राम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 32 ग्राम। ठीक है, यदि मैं यहाँ लिखूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये वैल्यू सेम लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम उसका क्या लिखेंगे, जैसे मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, अब बताओ इसका मतलब क्या होता है, कितना लिखूंगा मैं मास 14। वेरी गुड, कितना लिखूंगा यहाँ पे, यदि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम आ गया तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन ही लिखूंगा, नाइट्रोजन एटम। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे लिख दूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आते कितना लिखूंगा बताओ, अरे 14 × 2 कितना हो गया 28 हो गया। वेरी गुड, 28 लिखेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये चीज। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक दो लाइन लिख लेते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, एक दो लाइन है वो लिख लेते हैं मोल्स के बारे में। पहली लाइन्स क्या है प्यारे बच्चों, इसमें पहली लाइन है ए मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। पहली लाइन लिखनी है हमें, ए मोल इज द केमिस्ट, जो केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, एक लाइन तो ये लिखनी है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी लाइन लिखनी है आपको, द वर्ड मोल वाज ड्राइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेट मीन्स लैटिन वर्ड मोल्स। ठीक है, मोल्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, कल बताया था मैंने, हीप या पाइल, मीनिंग ए हीप और पाइल। ठीक है, ढेर बोलते हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसका नाम था द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाय विलहेल्म ओस्टवाल्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने बताया कि ए मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। ठीक है, जैसे हम दुकान पे जाते हैं, हम बोलते हैं कि 1 किलो चीनी दे दे। ठीक है, हम बोलते हैं कि 1 किलो आलू। ठीक है, यदि हम ऐसे बोले 1 लीटर आलू दे दे, ऐसे हो सकता है क्या, कोई आलू को लीटर में बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। ठीक है, हम तेल बोल सकते हैं, जैसे 1 लीटर हमें तेल दे दो। ठीक है, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम केमिस्ट के पास जाएंगे तो वो बोलेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो वैसे वैसे केमिस्ट की क्या है ये टर्मिनोलॉजी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो, द वर्ड मोल वाज डेराइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स, और मोल्स का मतलब होता है हीप और पाइल। ठीक है,
और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1896 के अंदर, जिनका नाम था, वैज्ञानिक का नाम था विलहेल्म ओस्टवाल्ड। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? विलहेल्म ओस्टवाल्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद जो इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका। स्क्रीनशॉट ले एक बार जल्दी से इसका। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छे। अब देखो यहां पे मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूं। यस प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं प्यारे बच्चों स्मॉल एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों? स्मॉल एन से लिखते हैं। और ये बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलिक्यूलर मास को बच्चों कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहां से एन उठा लो, यहां से स्मॉल एम उठा लो और यहां से कैपिटल एम उठा लो। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इनको एक बार आप बंद कर लेना। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ध्यान रखना, स्मॉल एम का मतलब गिवन मास है जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, और मोलिकुलर मास हमें पता ही होता है, जैसे ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन के एटम का 14 होता है। ऑक्सीजन का मोलिक्यूल का कितना होता है? 28 होता है ना। नाइट्रोजन का एक एटम है उसका 14 होता है, एक मॉलिक्यूल है उसका कितना होता है? 28 होता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का एक एटम का कितना होता है? 16 होता है। मॉलिक्यूल का कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें है ना। और यदि आपसे कोई पूछे कि क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और आपको मास फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? मास, तो इसी से निकल जाएगा ना। वो कैसे निकलेगा? ऐसे कर सकते हैं हम, मतलब स्मॉल m बराबर स्मॉल n गुना m। ये फॉर्मूला भी काम आएगा, ये फॉर्मूला भी काम आएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद रखना। ठीक है बच्चों, यदि क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये। यदि क्वेश्चन में आपको मास पूछे, क्या पूछे? मास, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गया अपना फर्स्ट फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की। साफ कर दो इसको, जल्दी से करो इसको, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, सभी ने कर लिया क्या? अब दूसरा फॉर्मूला देखो, यदि ये फॉर्मूले आपने सीख लिए तो आप नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की। सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं, और सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है? सबसे पहले हमने फर्स्ट देखा, अब देख रहे हैं सेकंड। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट, यहां पे वही फॉर्मूला है, नंबर
ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गया गिवन, और इसके अंदर क्या गिवन दे रखा होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, और नंबर ऑफ पार्टिकल को बेटा किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं, अभी अभी लिखा था हमने, एन से लिखते हैं, और उसके नीचे आएगा एवोगाड्रो नंबर, और बेटा एवोगाड्रो नंबर को किससे लिखते हैं, एन नोड से लिखते हैं, किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों, एन नोड से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन नोड हो गया। हाँ उतारो एक बार इसको, और यदि बेटा आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, क्या पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसी से देखो ऐसे बन जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और n बराबर n मल्टीप्लाई n नोट, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स पूछे और क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, तब ये फॉर्मूला लगाना है। अभी अभी हमने ये भी देखा था कि n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, यदि क्वेश्चन के अंदर हमें मास दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, यदि क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, और ये जो n नोड है, ये जो n नोड है, एवोगाड्रो जो नंबर है, इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना, 6 पॉइंट, अभी कल भी बताया था मैंने, 0, 2, 2, 3 भी कर सकते हैं, 2, 2 भी कर सकते हैं, 10^23, ठीक है, एटम्स। एन नोड का मान कितना होता है, 6.023, 10^23 एटम्स, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सभी के समझ में आ गया क्या? अब देखो, यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और हमें मास दे रखा है और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकालने हैं, तो देखो हमने ये भी पढ़ा था ना, अभी हमने ये पढ़ा था कि n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल m होता है। यदि ये वैल्यू यहां पे रख दें तो देखो ये क्या हो जाएगा, n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल m और n नोड, ये फॉर्मूला भी हमारे काम आएगा। दिख रहा है नीचे वाला? अरे नीचे का दिख रहा है क्या? तो ये फॉर्मूला भी आपके काम आ सकता है, ठीक है, मतलब n नोड, n बराबर हो गया स्मॉल m अपॉन कैपिटल m और मल्टीप्लाई n नोड, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपके काम आने वाला है। क्वेश्चन करें अब आगे, क्वेश्चन करें बेटा। हाँ सभी तैयार हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ इसके। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे, पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स फॉर द फॉलोइंग, फॉलोइंग पहला है आपको 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है,
उसके बाद फाइंडिंग मोल्स, ब्रैकेट में लिख रखा है फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास। इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट 12.044 मल्टीप्लाई 23 नंबर्स ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम्स फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सोल्व करते हैं। ठीक है, सभी बिल्कुल स्क्रीन पे देखें। ठीक है, हाँ ये कुछ बच्चे अपना वीडियो विजिबल नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? वीडियो विजिबल करें अपना, यस सभी बच्चे वीडियो विजिबल करें। ठीक है, फटाफट करें जल्दी से, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे अपना वीडियो को विजिबल करें ताकि मुझे आप दिखें। हाँ वेरी गुड, अभी कुछ बच्चे बच रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं पहला। ठीक है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम कितना दे रखा है यहां पे मास, 52 ग्राम कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 52 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे देखो गिवन क्या है, देखो ये टर्म्स तो आप सभी को याद नहीं है, वाली टर्म्स एन एम एम एन एनोड, ये टर्म सभी को याद है क्या? मैं लिख देता हूं एक बार, एन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स और एम बराबर होता है गिवन मास और एम का मतलब होता है मोलर मास और एन नोड का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल और एन नोड का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। ये टर्म सभी को पता है ना, ये टर्म सभी को पता है ना। हाँ अब देखिए गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है पहले इसको बात करते हैं। इसके मास कितना है, मास कितना है प्यारे बच्चों, 52 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ हीलियम किसका है, ये हीलियम का, और हीलियम को किससे लिखते हैं, एच से लिखते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या पता होना चाहिए, इसका मोलर मास भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ हीलियम, हीलियम का जो मोलर मास होता है वो 4 यूनिट होता है। ठीक है, ध्यान रखना कितनी यूनिट होता है, 4 यूनिट होता है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, ये हमें क्या करने बेटा निकालने। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए निकालने के लिए प्यारे बच्चों मेरे को बताओ, मैं दोनों फॉर्मूले लिखता हूं, एन बराबर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ये तो पहला है। एक दूसरा है एन बराबर एन अपॉन एन नोड, बताओ मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से बताओ, फर्स्ट या सेकेंड, जल्दी बताओ फर्स्ट या सेकंड, जल्दी बताएं फर्स्ट। ठीक है, रिद्धिमा गौतम ने बोला है फर्स्ट, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि बेटा हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है, क्या दे रखा है, मास। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं,
तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दूसरे वाला लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोड्स बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ये वैल्यू हम इसके अंदर रखते हैं। तो एन बराबर एम की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 52 है। उसके बाद एम की, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है? 4। इसको जब हम काटते हैं तो ये वैल्यू आता है 13। तो नंबर ऑफ मोड्स कितने हो गए बेटा? 13। सभी के समझ में आ गया क्या? उतारो एक बार जल्दी से, फिर हम यहीं पे सेकंड करते हैं उसको साफ करके। जल्दी से करो बेटा इसको। हाँ बच्चों, सभी ने कर लिया? हाँ। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। मैं इसको साफ कर देता हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट गिवन क्या है? गिवन क्या है इसमें? गिवन का मतलब दे क्या रखा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों? एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से। कितना है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू दे रखी है 12.044 और 10^23। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है? फाइंडिंग मोल्स। क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ये हमें फाइंड करना है। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसको लिखते हैं एन से। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, यदि नंबर गिवन पार्टिकल दे रखे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। तो यहाँ पे एन नोड अपॉन एन अपॉन एन नोड। देखो यहाँ पे एन बराबर, एन की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 4×10^23। उसके बाद एन नोड की वैल्यू मैंने बताई थी आपको कितनी होती है, एन नोड की वैल्यू 6.022×10^23। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लिखते हैं यहाँ पे 6.022×10^23। जब इसको देखो 23 से 23 कट गया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? दो बार जाएगा। तो नंबर ऑफ मोड्स कितने आ गए प्यारे बच्चों? 2 आ गए। समझ में आया सभी के? सभी बच्चों के समझ में आया? कैसे नहीं आया? देखो प्यारे बच्चों, हमने फॉर्मूला लगाया ये n बराबर n अपॉन n नोड। ठीक है, क्यों लगाया? क्योंकि हमें नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया n बराबर n अपॉन n नोड। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 12.044 ये वाले। ठीक है, उसके बाद एन नोड की वैल्यू कितनी होती है? मैंने बताया ये एवोगाड्रो नंबर है, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022×10^23। इसका जब हम इसमें भाग देते हैं, इसको 23 से 23 कट जाता है, 10^23 से 10^23 कट जाता है। ठीक है, ऐसे समझो कि ऊपर भी 5 हो और नीचे भी 5 हो, तो 5 से 5 कट जाता है ना, एक जैसा लग रहा है ना, तो उसी प्रकार 10^23 और 10^23 एक जैसे हैं तो ये कट गए। ठीक है, उसके बाद जब हम 12.044 के अंदर 6.022 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स कितने आ गए? 2। समझ में आया? हाँ ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे और भी क्वेश्चन हैं, हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, और सभी कल टेस्ट देना, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को बाय बाय।
ठीक है बच्चों, यस।